नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ योर आपसी टीचर ए के ए बैड मूड डी के। अभी आपके सामने जो दो बंदे, जो दो लौंडे लोग हैं, अडल्ट लोग हैं, ये अडल्ट बोले तो वयस्क लोग हैं, एंड दे हैव कम अप विद अ सॉन्ग। रॉयल सिंह सुमित, ये जो बंदा जो ऐसे कर रहा है, ही इज़ द आर्टिस्ट, और जो बंदा ऐसे करके बैठा हुआ है लाइक वेरी वेरी खतरनाक मूड में, ही इज़ केडो, बीट प्रोड्यूसर है इस गाने का। गाने का नाम ही अजीब है, अब्यूज लीला। कभी सुना है ऐसा नाम? बताओ, अब्यूज लीला। तो सुन के समझ में आ रहा है कि गाने में बहुत सारी गालियां हैं। अब किस टाइप की, किस कैटेगरी की है? कैटेगरी वन, कैटेगरी टू, कैटेगरी थ्री, या फिर छपरी कैटेगरी, किस कैटेगरी की है? और ये किसके लिए इन गालियों का इस्तेमाल किया गया? चलिए आइए सुनते हैं। देखो, दे दिया पहली पेरेंटल एडवाइजरी, एक्सप्लिसिट कॉन्टेंट जरूरी है। अर्ज किया है, करो मां चुदाओ। डायलॉग याद आ रहा है थ्री इडियट्स का, ये लौंडा बहुत अश्लील लौंडा है ये। यार ऐसे इंट्रो कौन देता है? अर्ज किया है, मां चुदाओ। इस बार शायर नहीं, फायर है। छोटे छोटे बच्चे ना आज, रुको यार, वॉल्यूम कम था। स्याही नहीं चाहिए, तेल नहीं, फायर है। आज स्याही नहीं चाहिए, तेल लेके आओ, तेल। छोटे छोटे बच्चे ना कान बंद करके निकलो इधर से, मतलब एकदम बीस मोड में। स्याही नहीं, आज तेल लेके आओ। हाँ, ये देखो, ये स्केडो का जो टैग लाइन है क्या है, सुनते फिर से ही बड़ा सा बड़ा खतरनाक लगता है। लगता है कोई नरक का है, कोई नरक का दूध बीट बीट बना रहा है वैसे कुछ। की मस्ती में है कागजों की कश्ती, बीफ गेम मस्ती क्योंकि सबकी गांड मस्ती, 14-15 साल के ये बच्चे बस भौंकते। ये ना, ये लाइन दो बार अभी तक गाने में आ चुका है, 14-15 साल के बच्चे। 60 में भी ये हुआ था, इन्होंने कहा था कि वो निकल ले, हाँ कान बंद करके निकल लो, तो उनको उनको शॉट दिया कि 14-15 साल के जो बच्चे हैं। बीफ गेम मस्ती क्योंकि सबकी गांड मस्ती, 14-15 साल के ये बच्चे बस भौंकते, प्रेम चाहे मुफ्त का ये अपनी जाट लौट चुके। नया नया स्टेटस देखो, सुना नहीं, फॉलो कर लिया है भैया, फॉलो बैक मिला नहीं, लिखते कुछ नया नहीं, ऐसा जो सुना नहीं, फॉलो कर लिया है भैया, फॉलो बैक मिला। बिल्कुल सही बात, रिलेटेबल रिलेटेबल, फॉलो कर लिया भैया, फॉलो बैक मिला नहीं। सबको सुन रहा हूँ कुछ महीने कुछ साल से, मुझको भी सुने जो साला, एक कोई मिला नहीं। तो इस गाने को हम, इस गाने का ब्रेक डाउन करेंगे, लाइक नो पार्ट पार्ट, ऐसा ठीक रहेगा या फिर पूरा एक ही बार? नहीं चलो, करना ग्रो है होती सबसे पहली लाइन, हिप हॉप है माशूक कहते म्यूजिक इज माय लाइफ, हांड पे उगे नहीं है जाट अभी ठीक से, ये बंदी चौधरी की करते बातें अपने गीत में, कीबोर्ड वाले गैंगस्टरों बे बकचोदी बंद करो बे, स्केडो बजा बीट पे तो बाप को नमन करो बे, पैर को पकड़ के ले लो ज्ञान आशीर्वाद, लंड की सलामी लेके मुंह में लो प्रसाद, चंड है कलम जो चलती कागजों पे चुन के, ये शब्द बन के शोले सीधा सबकी गांड फेंक दे, अंध भक्त है ये सारे अंधे लौड़े फौज के, मंजिले पता नहीं है खाम का ही दौड़ दे, ज्ञान व्याकरण का इनका जाट के बराबर, फिर भी क्या नहीं हिप का ये सारी रात छोड़ दे, ये नाप के ठगे नहीं, हिसाब के जने सभी, हिप हॉप के क्या होंगे अपने बाप के सगे नहीं दूसरे। चलो अब इसका ब्रेक डाउन करते हैं, मजे ले लिए हमने भी आपने भी। बच्चे बस भौंकते, प्रेम चाहे मुफ्त का ये अपनी, देखो स्केटो, देखो देखो अश्लील लौंडे को देखो, देखो कहाँ कहाँ पॉइंट कर रहा हो। सुमित को भी देखो, देखो इसका ये एक्सप्रेशन देखो, हाँ कोई भाई फोटो दे दो, उसको स्क्रीन शॉट ले लो, देखो हाथ देखो कहाँ पे, और चेहरे का देखो एक्सप्रेशन, देखो कैसा है एकदम। लिखते कुछ नया नहीं, ऐसा जो सुना नहीं, लिखते कुछ नया नहीं, ऐसा जो सुना नहीं, फॉलो कर लिया है भैया, फॉलो बैक मिला नहीं, सबको सुन रहा हूँ कुछ महीने कुछ साल से, मुझको भी सुने जो साला, एक कोई मिला। ठीक है, ये पब्लिक के बारे में बताए, जो यू नो सोशल मीडिया की पब्लिक है, जो रैपर्स है, जो रैपर्स कम्युनिटी है, उनको ऑफकोर्स ही इज नॉट टारगेटिंग एवरीबॉडी, कह रहे हैं कि मैंने सबको सुन लिया बट मुझे सुनने वाला कोई मिला नहीं, बहुत कम लोग ना के बराबर लोग हैं जो मुझे सुनते हैं।
नहीं, सीन करना ग्रो है होती सबसे पहली लाइन, हिप हॉप है ठीक है, सब कहते हैं कि सीन ग्रो करना है, ठीक है, फर्स्ट लाइन सबकी ये होती है, कहते म्यूजिक इज माय लाइफ, सीन करना ग्रो है होती सबसे पहली लाइन, हिप हॉप है माशूक कहते म्यूजिक इज माय लाइफ, आंड पे उगे नहीं है जाट अभी डैश उगा नहीं है, ठीक है, ठीक से ये बंदी जो गली की करते बातें अपने गीत में, हाँ ये बंदी डैश करने की बात करते अपने गीत में, तो ये बात तो सही है, मैंने भी देखी है लाइक नो गानों में, मतलब गानों में वो बात बोलो जो कर सकते हो, जो असल में किया हो, अब ऐसी तुम बातें करते थे जो एकदम असंभव ही है, या फिर तुमने कभी किया ही नहीं है, बस कर गानों में बोल रहे हो मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, तो एकदम ये एकदम वैलिड पॉइंट भाई ने बात कही है, कीबोर्ड वाले गैंगस्टरों पे बकचोदी दी बंद करो बे, स्केडो बजा बीट पे तो बाप को नमन करो बे, पैर को पकड़ के, हाँ हाँ देखो इशारे, देखो कहाँ है, देखो कहाँ इशारा कर रही है, नीचे की तरफ, आप बाकी समझदार हो, ज्ञान आशीर्वाद, हाँ हाँ पैरों की तरफ नहीं है, कहीं और है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, लंड की सलामी लेके, ओ हमने तोपों की सलामी सुनी है इमेजिन करो ये डैश की सलामी कैसे कैसे कोई लेता होगा, हाँ कैसे सुमित भाई, कैसे अगर तुम बोल रहे हो ठीक कोई सामने आ गया ठीक है भाई मैं चलो लेता हूँ इसकी सलामी, तो कैसे लेगा बंदा, किस तरीके से कैसे फायर करोगे उसको मेरे को भी लड़कों ने अश्लील बना दिया, चंट है कलम जो चलती कागजों पे चूर के, ये शब्द बन के शोले सीधा सबकी गांड फूंक दे शब्द बन के शोले सबकी गांड फूंक दे, अंधे भक्त है ये सारे अंधे लौड़े फौज के, अंधे लौड़े फौज के, हां देखो मेरे को भी गाली देखो दिलवा, मतलब लाइव कैमरा पे बैठ के मैं गाली दे रहा हूं, जिले पता नहीं है खामखा ही दौड़, मैं दे रहा हूं, मैं तो बस रिपीट कर रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी ना एटलीस्ट मेरे मुंह से निकल रही है सब बातें, अश्लील बातें कराते मेरे से भी, ज्ञान व्याकरण का इनका जाट के बराबर, ज्ञान व्याकरण का इनका डैश के बराबर, सुना आपने ना, पर फिर भी क्या नहीं हिप हॉप का ये सारी रात खोदते, ये नाप के ठगे नहीं हिसाब के जने सभी, हिप हॉप के क्या होंगे अपने बाप के सगे, हिप हॉप के क्या होंगे अपने बाप के सगे नहीं, बहुत बड़ी बात कह दी भाई ने, मतलब एकदम दिस टाइम ही हैज गॉन ब्रूटल अनस्टॉपेबल, मतलब किसी चीज़ की भी परवाह ना करते हुए इनके अंदर जो भी भड़ास थी जो भी बातें थी इन्होंने बस वो बोल दिया है, नो मैटर वॉट वॉट एवर कम्स ही विल हैंडल इट, मतलब ऐसा ही ना, मतलब तैयार है एकदम पूरे, दूसरे की कॉपी है ये खुद का कुछ खरा नहीं, जीत कार कैसे इनसे खुद का कुछ बना नहीं, बाद की आवाज भी है दूसरे से कॉपी इनकी गांड से हगा, क्या 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 किसकी आवाज, कैसे इनसे खुद का कुछ बना नहीं, बाद की आवाज भी है दूसरे से कॉपी, पाद की आवाज़ इंग्लिश में फाट कहते हैं उसकी, मतलब उसकी कॉपी कौन करता है, मतलब वो भी दूसरे से कॉपीड है, मतलब वो भी करते हो तो वो भी दूसरे की कॉपी है, ये पंच लाइन बढ़िया लगा मेरे को, जीत कार कैसे इनसे खुद का कुछ बना नहीं, पाद की आवाज़ भी है दूसरे से कॉपी इनकी गांड से हगा भी साला, देखो स्केटो को भाई आई एम एंजॉइंग स्केडोज यू नो बॉडी मूवमेंट्स, जैसे वो कर रहा जो जैसे उसके एक्सप्रेशंस हैं, सुमित एक तरह से लाइक मशीन गन से दागे जा रहा है और बगल में स्केडो ना वो तोपों की या फिर जिस चीज़ की कह लो वो सलामी दिए जा रहा है, वो एक्सप्रेशन पूरा फील लाइक नो वन कैन फील इट वॉट एवर सुमित इज सेइंग थ्रू स्केडोज एक्सप्रेशंस वी कैन नो लिटरली फील इट, कलम जाने लिखे आओ वर्दियों में घूमे हिप हॉप कर रहे, वर्दियों में घूमे हिप हॉप कर रहे हैं, मैं सुमित के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ तो ये लाइन जहाँ तक मुझे पता है दिस इज फॉर पुलिस वाला रैपर, वर्दियों में घूमे हिप हॉप कर रहे हैं, बना के लिस्ट उसमें टॉप कर रहे, एक डिस पे का साला गांड फटी चार की स्टेट थोड़ा जम हम जब ब्लॉक कर रहे, ये पुलिस वाला रैपर के लिए इन्होंने रॉयल सिंह सुमित ने कुछ टाइम पहले पुलिस वाला रैपर को डिस किया था, तो उस बंदे ने शायद क्या ये यू नो ही सेइंग दैट ही ब्लॉक्ड हिम स्ट्रेट आउट ऑफ जम्मू ही ब्लॉक्ड हिम, तो ये कह रहे हैं कि उसमें दम नहीं है, मैंने एक फेंक के मारा उसकी डैश फट गई, अब वो मेरे को रिप्लाई नहीं कर रहा, ब्लॉक करके बैठा हुआ है, भौंकते फिरे सभी न काटिए सके कभी, प्रेम की है भूख बस ये चाटते फिरे सभी, स्केटो का एक्सप्रेशन भौंकते फिरे सभी न काटिए सके कभी,
प्रेम की है भूख बस ये चाह। देखो इसका स्केडो का जीप देखना, देखो इसका मतलब एकदम भाई पता नरक का दूत लग रहा है ना, लग रहा है यमराज ने इसको साक्षात भेजा कि जाओ एंड मैं आपको एक विशेष कार्य दे रहा हूँ, जाओ सुमित के साथ एक गाना ऐसा निकालो कि जो तहलका तहलका मचा दे। देखो अभी इस स्केडो का जीप देखना भाई मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। सारे कलाकार बनेंगे, कलमकार गैंग परिवार बनेंगे। सुनते फिर से इसको। कलमकार गैंग परिवार बनेंगे, ये शॉट किसको दिया गया है? कलमकार जो कलमकार की तरह बनना चाहते हैं या फिर जो कलमकार ज्वाइन करना चाहते हैं। एंड आई डोंट थिंक ही इज टॉकिंग इन जनरल, ही इज क्या बोलते हैं फायरिंग शॉट्स एट सम पर्टिकुलर पीपल जिनको ये जानते जिनके साथ इनकी ऑलरेडी प्रॉब्लम है, ये उनके लिए कह रहे हैं कि चाटुकार वो कलमकार गैंग बनेंगे। इनकी धूत मिस्टर नायर के झाट के बराबर, ये झाट ऐसी शक्ल के रफ्तार बनेंगे। हलवा है क्या 2022 दिस सॉन्ग इज फॉर दोस क्लोन्स ऑफ भाई भाई यू डिडंट हैव टू गो दैट ब्रूटल यार, मतलब बहुत ज्यादा हो गया, मतलब आई डोंट रिमेंबर यू लिसनिंग टू दिस हार्ड लेटली। ऐसा चुसंबा सुना था, चुसंबा के बाद ये मतलब ऐसा कोई ट्रैक है जो मतलब हम हिला के रख दे, ये है रफ्तार। फक कॉपीकैट, फक दोस क्लोन, फक एवरीवन हु ट्राइज टू कॉपी समवन एल्स, एंड इफ यू आर वन ऑफ दोस देन फक यू टू। ही इज नॉट अगेंस्ट रफ्तार एंड ऑल, व्हाट इज सेइंग दैट मैं उनके खिलाफ हूँ जो रफ्तार की या फिर किसी का भी वो कॉपी कैट करते हैं, कॉपी करते हैं, ये उनके अगेंस्ट है, उनके अगेंस्ट इन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की है, उठाई है और इसमें इसका साथ दे रहे हैं नरक से भेजे गए यमराज के दूत महाबली बाहुबली स्केडो महाराज। अरे यार ये भूत का दरवाजा खोलो बहन चोद, गरम है। किसका दरवाजा खोलो? अरे यार ये भूत का दरवाजा खोलो बहन चोद, निकल रहा है इधर से। तो सुमित रॉयल सिंह सुमित महानगरी के निवासी हैं, मुंबई के हैं और इनके साथ हैं बीट पे स्केडो, वो भी मुंबई के हैं। तो इस गाने में इन्होंने बहुत लोगों को शॉट्स दिए हैं और जिन लोगों को शॉट्स दिए हैं वो समझ गए होंगे, आई डोंट हैव टू नो स्पेसिफाई द नेम्स, ठीक है। और बहुत लोगों को ऐसे इन जनरल भी इन्होंने दिया है, तो ये एक तरह का ओपन चैलेंज है, और कह रहे हैं कि जिसके भी सीने में कलेजा है आओ मेरे से लड़ लो। सो यस इट्स एन ओपन चैलेंज, जब रिंग में कोई पहलवान आके बोलता है कि इट्स एन ओपन चैलेंज, कोई है मुझे चुनौती देने वाला, कोई ना कोई तो आता, तो देखते हैं इसमें इनको रिप्लाई करने, इनसे लड़ने के लिए कौन आता है। रॉयल सिंह सुमित ये गाना 30 तारीख को आया था, तो गाने पे 222 व्यूज़ हैं एंड अब्यूज़ लीला गाली रैप हिंदी रैप सॉन्ग, यस प्रॉड बाय स्केडो। सही था कॉन्सेप्ट, सही था गाने का। और भाई गाली वगैरह ना एक टाइम पे मैं गालियों के ख़िलाफ़ था रैप सॉन्ग्स में, फिर मैंने देखा कि ऐसे बहुत कम लोग हैं ना के बराबर जो गाली के अगेंस्ट में, क्योंकि सी हिप हॉप इज़ ऑल अबाउट एक्सप्रेशन, लोग गालियाँ वगैरह देते हैं चलता है। तो मैं अकेले पड़ गया था भाई भीड़ में, लोग आ गए थे कि नहीं यार गाली वगैरह ये वो, तो स्लोली आई रियलाइज कि ये सड़क की भाषा है, हम जैसे बातचीत करते हैं अपने दोस्तों के साथ गाली गलौज करते हैं वैसे इसमें भी, ठीक है सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है। बाकी इन्होंने अपनी बातें यू नो ही वांटेड टू एक्सप्रेस एंड ही एक्सप्रेस्ड इन अ पर्टिकुलर वे इन हिज ओन वे, ताकि लोग सुन सकें, ताकि लोगों के कहने पर लाइक जो पर्दा लगा हुआ वो हटे, लोग सुने। अगर इसी को सीधी सरल भाषा में बोलते तो शायद लोगों को कान खड़े नहीं होते। सो ही वांटेड टू वॉर्न समवन एंड यस ऑब्वियसली इट्स अ डिस ट्रैक, इट्स अ गाली रैप डिस ट्रैक, तो इसमें थोड़े बहुत एक्सप्लिसिट कंटेंट तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। चलो बाकी आपकी क्या राय इस गाने के बारे में, आपको सबसे बेस्ट पार्ट या सबसे बेकार पार्ट मैं कहूंगा, क्योंकि नॉट एवरी वन इज गोना लाइक दिस सॉन्ग, बेकार इन अ सेंस नॉट एवरी वन इज गोना लव दिस सॉन्ग आई रिपीट, तो आप कमेंट करके बताओ। एंड यस रॉयल सिंह सुमित हैज थ्रो एन ओपन चैलेंज
देखते हैं कौन रिप्लाई करता है, उसका भी मैं रिव्यू करता हूँ, देखता हूँ कि लाइक यू नो व्हाट कम्स बैक। सो गाइस चेक दिस आउट, एंड ये गाना ऐसे लाइक नो इट्स अ गुड वन, लाइक सही चल रहा था, बज रहा था, जो पंचेस थे बहुत बहुत मज़ा आया, इट वॉज एन एंटरटेनिंग वन। और आपने देखा कि मैं कैसे इंजॉय कर रहा था, हंसी भी जब आ रही थी तो एकदम मैं हंस रहा था यमराज के जैसा। चलो ठीक है, बाय बाय।